Namaste and welcome back to our YouTube channel. I am Sakshi Jain and in today's video I am going to talk about MS and MD program of Krishna Institute of Medical Sciences Satara. But before getting into this video, make sure to like, share and subscribe and hit the bell icon to not miss any updates from our YouTube channel. तो आज मैं आपको Krishna Institute of Medical Sciences College के बारे में सारी information देने वाली हूँ, उसकी basic information से लेके उसके fees, courses, cut off से लेके सारी information तक. तो video पूरा end तक देखिएगा. तो चलिए start करते हैं. बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करूंगी मैं. कॉलेज जो है एस्टैब्लिश हुआ था ईयर 1990 में और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है. एक्रेडिटेशन की बात करें तो इसे एक्रेडिटेशन मिला हुआ है नैक का ग्रेड ए का, देन बीसीआई, एमसीआई और यूजीसी से ये अप्रूव्ड है. कोर्सेज और फी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये ऑफर करता है एमएस इन जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स एंड ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी में और ईएनटी में. इसके अलावा ये ऑफर करता है एमडी इन जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, देन रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑप्थल्मोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में. अगर हम इनटेक कैपेसिटी देखें तो अगर हम एमएस जनरल सर्जरी की बात करें तो 10 का सीट्स का इनटेक है, यानी कि 10 सीट्स हैं कॉलेज में एमएस जनरल सर्जरी के लिए. ऑर्थोपेडिक्स में 4 सीट्स हैं एमएस ऑर्थोपेडिक्स में, जनरल मेडिसिन की 13 सीट्स हैं, पीडियाट्रिक्स की 6 सीट्स हैं, देन गायनेकोलॉजी के लिए 7 सीट्स हैं, रेडियोलॉजी के लिए 4 सीट्स हैं, एनेस्थीसिया के लिए 6 सीट्स हैं, ईएनटी के लिए 2 सीट्स, ऑप्थल्मोलॉजी के लिए 4, डर्मेटोलॉजी के लिए 2, फार्माकोलॉजी के लिए 4, माइक्रोबायोलॉजी में 1 सीट है, कम्युनिटी मेडिसिन में 2 सीट्स हैं, पैथोलॉजी के लिए 8 सीट्स हैं, एनाटॉमी में 3 सीट्स हैं, फिजियोलॉजी में 1 सीट है और बायोकेमिस्ट्री में 2 सीट्स हैं. तो ये थी हमारी सीट ब्रेकअप. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फीस को. तो मैं आपको जनरल कैटेगरी की फीस बताने वाली हूँ. तो एनाटॉमी कोर्स के लिए उसकी फीस है 2 लाख रुपीज़. तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी की जो फीस है वो है 2 लाख रुपीज़. देन हम बात करें अगर पीएसएम की तो उसकी फीस है 4 लाख रुपीज़ पर ईयर. पैथोलॉजी की है 14 लाख रुपीज़ पर ईयर. एनेस्थीसिया की है 17 लाख पर ईयर. ईएनटी की भी है 17 लाख पर ईयर. गायनेकोलॉजी की है 24 लाख पर ईयर. पीडियाट्रिक्स की भी 24 लाख पर ईयर. देन मेडिसिन, रेडियो डायग्नोसिस, डर्मेटोलॉजी, ऑप्थल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, इन सब की फीस है 24 लाख रुपीज़ पर ईयर. देन अगर हम बात करें डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया के लिए, अगर उसे डीए बोलते हैं, तो डीए की फीस है 12 लाख रुपीज़ पर ईयर. डीजीओ की फीस है 19 लाख पर ईयर. देन डीएमआरडी की फीस है 22 लाख पर ईयर. डी ऑर्थो की फीस है, डिप्लोमा इन ऑर्थो की फीस है 22 लाख पर ईयर. एंड डीसीएच की जो फीस है वो है 19 लाख रुपीज़ पर ईयर. अगर हम कट ऑफ की बात करें स्पेशलाइजेशन वाइज तो मैं आपको जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बताने वाली हूँ पीजी के लिए ईयर 2021 का. तो देखते हैं अगर हम रेडियो डायग्नोसिस की बात करें तो कट ऑफ की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 11,274. डर्मेटोलॉजी और वेनरोलॉजी के लिए थी 10,232. पीडियाट्रिक्स के लिए थी 18,239. डीएमआरडी के लिए थी 12,346. देन एमएस इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के लिए थी 19,485. जनरल मेडिसिन के लिए थी 17,971. ऑर्थोपेडिक्स के लिए थी 16,782. देन ऑप्थल्मोलॉजी के लिए थी 22,464. एमएस ईएनटी के लिए थी 35,957. डीसीएच के लिए है 24,867. डीजीओ के लिए है 26,067. देन एमडी इन एनेस्थियोलॉजी के लिए है 34,589. डीए के लिए है 49,702. देन डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स के लिए है 40,337. एमडी पैथोलॉजी के लिए है 72,047. एंड एमडी माइक्रोबायोलॉजी के लिए है 57,316. तो ये थी आपकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग 2021 के. तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए. मैंने आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन पॉसिबल हो सकती है इस वीडियो में दी है. अगर आपको लगता है मुझसे कुछ गलती हो गई तो आप कमेंट करके जरूर बताइए. एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और हमारे काउंसलर से आप कनेक्ट कर सकते हैं जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे. मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहूंगी. तो हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को. थैंक यू.